अच्छा, सबने अपना अपना काम करना है और अड़ोसी पड़ोसी का देखना नहीं है, ठीक है? हाँ, एवरीवन मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज और हर ओन शीट। पर्पुलर होगा, राइट? अब उस सर्कुलर जो आपका बेस होगा उसका कुछ एरिया भी होगा, राइट? आपसे पूछा गया हाउ मेनी, हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कॉनिकल टेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द टेंट? फोर। सो आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट। वी एज्यूम द होल ऑफ द स्पेस इज बीइंग ऑक्यूपाइड, दैट वे वी आर कंसिडरिंग, देन टोटल एरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल गिव यू द स्पेस ऑक्यूपाइड। बच्चों काम अपना अपना करो, जो डाउट है मेरे से पूछो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा डोंट टेक इट अदरवाइज, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, विल डिस्कस एंड यू विल कम टू नो। इधर उधर से देख के करोगे तो आपको लगेगा सॉल्व तो हो गया लेकिन समझ में आएगा नहीं, तो उसका बेनिफिट नहीं है, राइट? सो ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रादर देन कि हम यहां देख लें वहां देख लें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो पॉइंट, ये सिर्फ इसीलिए आपको दिया गया कि जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुए हैं वो आपको समझ में आ जाए कि ये क्लियर नहीं हुए और हमें ये डाउट्स क्लियर करने, दैट्स व्हाई दिस असाइनमेंट इज बीइंग गिवन टू यू। सो मेक श्योर यू डू एवरीथिंग बाय योर ओन, जी। जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, व्हाटएवर, मार्क कर लो अपने क्वेश्चंस के साथ। And when we'll do the discussion part, you can ask. बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम, आई हैव डाउट इन फोर्थ क्वेश्चन, द हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट प्रिपेयर टू अकोमोडेट फोर स्टूडेंट्स। हाँ जी, बोलिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आंसर इज नॉट मैचिंग द ऑप्शंस। आप एक बार जरा कैलकुलेशन वापस चेक कर लेंगे प्लीज? आई आल्सो चेक, बट आंसर तो कंफर्म है, यही है। आप एक बार कैलकुलेशन वापस चेक करिए। हाइट, हाइट मीन विच हाइट एम आई टॉकिंग अबाउट? Am I talking about slant height or the straight height here? Straight height. जब हम टेंट की हाइट की बात करेंगे तो हम स्ट्रेट हाइट की बात करेंगे। रिमेम्बर दिस। हाँ, तो हमें एच चाहिए यहां पर। When I talk about height of the conical tent means I want h. आंसर मैच नहीं हो रहा आपका? किसी का भी मैच नहीं हो रहा? तो मैं एक बार कहूंगी, एक बार आप पैराग्राफ में एक लाइन मिस कर रहे हो, जस्ट गो थ्रू द पैराग्राफ वंस अगेन, वन लाइन यू आर मिसिंग,
टुवर्ड्स द एंड एक लाइन दे रखी है, आप लोग वो नहीं देख रहे हो, दिखा कुछ? Each group of four students was given a canvas of an area of 551 meters square. This is something you have seen. Each group had to make a conical tent to accommodate all four students. उसके बाद वाली लाइन जरा ध्यान से पढ़िए. Assuming that all the stitching and wasting incurred while cutting would amount to 1 meter square. Have you taken this thing into consideration? So that is the mistake you people are committing. Take this point into consideration. See how you will take this into consideration. So reading the question carefully is very, very important. You shouldn't miss out on any of the information that is given in the question. नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आगे चलो, हम डिस्कशन करेंगे तो हम बात करेंगे इसके ऊपर. बाकी मैंने हिंट तुम्हें दे दिया, एनफ ऑफ द हिंट, नाउ यू शुड बी एबल टू गेट इट. बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं. No discussions among yourself. इस पैराग्राफ में जो एक गलती हो सकती थी वो ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट. चलिए, सबने सबका पैराग्राफ हो गया. ऑल ऑफ यू हैव डन द पैराग्राफ. एंड एनीवन हु हैज नॉट डन द पैराग्राफ येट, मैम प्लीज एक बार आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि सबका हो गया तो मैं इसको डिस्कस कर दूं, क्योंकि नहीं तो यहीं पे दिमाग घुसा रहेगा, आगे चलेंगे नहीं ये लोग. एनीवन रेज योर हैंड हु हैज नॉट ट्राइड द पैराग्राफ येट. ऑल ऑफ यू हैव डन इट. से यस और नो. चलिए फिर हम इसमें देखते हैं दिक्कत कहाँ आ रही है, उसको देखना है मुझे. मुझे क्या बोला गया है कि सम स्टूडेंट्स दे वेंट फॉर कैंपिंग, वहां पे उन्हें वेलकम ड्रिंक दिया गया, कुछ को सिलेंड्रिकल वेसल में दिया गया, कुछ को स्फेरिकल वेसल में दिया गया. फिर उनको एक एक टेंट का लाइक 551 मीटर स्क्वायर एरिया का एक कैनवस दे दिया गया, वहां पे उनको अपने टेंट बनाने को बोला गया. ठीक है जी, तो सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कप, आई होप ये तो सबका हो गया होगा. आंसर है इसका डी, 404.25 सेंटीमीटर क्यूब. फिर है वॉल्यूम ऑफ द हेमिसफेरिकल कप, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2/3 πr³ फॉर्मूला लगाना था मुझे, और आंसर इज बी, 89.83 सेंटीमीटर. और ऑनेस्टली जिसका गलत है वो गलत मान लेना, यहां पे गलती हो जाएगी दिक्कत नहीं है, अगर फाइनल पेपर में गलती होगी तो दिक्कत है, राइट? सो अगर गलती हुई है, जिसका भी आंसर नहीं आ रहा या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वो प्लीज खड़े होकर के मुझसे पूछ सकता है. देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन इन आस्किंग. अगला है, विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाय हाउ मच. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था और हमें दिख ही रहा है कि सिलेंड्रिकल में ज्यादा था एज कंपेयर टू हेमिस्फेरिकल. अब अगला क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट प्रिपेयर टू एकोमोडेट द फोर स्टूडेंट्स. यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने जो किया कि ये जो 551 है, यू कंपेयर्ड इट विद विच एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, किससे कंपैरिजन होगा इसका? जब हम टेंट बना रहे हैं, जस्ट इमेजिन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ टेंट, आप बेस में तो कुछ नहीं लगाओगे, आप सिर्फ उसका कर्व पार्ट ही ले रहे हो. तो ये 551 शुड बी कंपेयर्ड विद कर्व्ड सरफेस एरिया. लेकिन एक चीज दे दी मुझे कि 1 मीटर स्क्वायर की वेस्टेज है,
मतलब 1 meter square उस कर्व्ड सरफेस एरिया का पार्ट नहीं बनेगा. तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इस 551 में से, तो आई विल राइट एरिया ऑफ कैनवस अवेलेबल इज गोइंग टू बी 551 माइनस 1, दैट इज 550 meter square. ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? अब अगर आप इस 550 को कंपेयर करेंगे पाई आर एल से, तो 550 इज इक्वल टू पाई इज 22/7, आर इज गिवन टू बी, तो यहां से मुझे एल निकालना है. ये 7 और 7 कैंसिल हो गया. 550 डिवाइड बाय 22 इज योर एल. तो एल कितना आ रहा है? 25 आ गया. सो एल कम्स आउट टू बी 25 सेंटीमीटर. लेकिन मुझसे पूछा क्या गया, जब मेरे से कहा गया हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट, सो आई एम सपोज टू कैलक्युलेट स्ट्रेट हाइट. मेरे पास स्लांट हाइट है, आर है. कैन आई कैलकुलेट एच? विच रिलेशन डू आई नीड टू यूज नाउ? L square is equal to R square plus H square. So, आपको ये वैसे याद होना चाहिए 25 और 7 के साथ कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कौन सा नंबर आता है? 24. देखो जी, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच स्क्वायर. So 625 minus 49 is your h square. 576, and 576 is the square of 20. So height is 24. So correct answer is C, 24 meters. ये सबको अब समझ में आ गया, जिस जिसका आंसर नहीं आ रहा था अब आ गया. Yes. ठीक है जी. लास्ट पार्ट में भी कुछ डाउट था, हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कॉनिकल टेंट. अब जब हम एक कॉनिकल टेंट के बेस की बात कर रहे हैं, तो कैसा बेस है उसका? सर्कुलर. सर्कुलर बेस. अब सर्कुलर बेस पे टोटल एरिया कितना होगा? एंड दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय 4 students. और मुझे ईच स्टूडेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 4. Because there are 4 students in the tent, total area को 4 से divide कर दूं, so I'll get area occupied by each student. Area occupied by each student. तो जो हमारे पास ये आपकी case study थी, इसके answers, पहले question का answer D, second का B, third का D, फोर्थ सी एंड फिफ्थ बी. जिन जिन बच्चों के 5 आंसर्स करेक्ट हैं, जरा हाथ खड़े कर दो. ऑल 5 करेक्ट, एक स्टूडेंट सिर्फ हाथ खड़ा कर रहा है. गुड. 4 किस किस के करेक्ट हैं? 4 कईयों के करेक्ट हैं. चलो जी. 3, हाउ मेनी हैव गॉट 3 आंसर्स करेक्ट? ओके. तो इसमें आपको सिर्फ आई होप ये जो हाइट निकालने वाला काम था, जिसमें 551 माइनस 1 करना था, वहां पे दिक्कत आई. दिस इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ. इट टेल्स दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस. ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड शुड बी प्रोसेस्ड इन योर माइंड. किसका क्या काम कहां पे कैसे यूटिलाइज करना है मुझे. चलिए जब फटाफट से 3 असर्शन रीजन कर लो पहले, फिर हम इनके डिस्कशन कर लेते हैं. जल्दी से करना जरा, क्विक. All 3 assertion reasons. बातें नहीं, बिल्कुल बातें किए बिना जल्दी जल्दी तीनों कर दो assertion reasons, so that we can move on to the MCQs.
ऑल्दो टाइम बहुत ज्यादा हम लगा रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, वी शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग. No talking, please. बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं. जब assertion reason हो जाएं तो मुझे बता देना. All three assertion reasons. If you have done well, then tell me. We'll discuss. बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं. हाँ जी, किस किस के तीनों असर्शन रीजन हो गए हैं, रेज योर हैंड्स. स्टिल इन द प्रोसेस, फटाफट करो बच्चों, इतना टाइम कैसे लगा सकते हैं. आधा घंटा हो गया हमें, अभी हम सिर्फ पांच ही क्वेश्चन कर पाए हैं. वी स्टार्टेड एट 10:30, इट इज 5 मिनट्स टू 11. 25 मिनट्स फॉर 5 क्वेश्चन इज टू मच. असर्शन रीजन हो गया है, किस किस का हो गया, फटाफट से हाथ खड़ा कर दो. असर्शन रीजन हु ऑल हैव डन. आंसर आ गए हैं, नहीं आ गए हैं, वंस यू हैव गॉन थ्रू इट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड. बच्चों हाँ ना कुछ तो बोल दो. कुछ समझ नहीं आया कि कुछ समझ में आया है. फर्स्ट असर्शन रीजन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड फर्स्ट असर्शन रीजन. किसका हो गया, चलो जी फटाफट मुझे एक्सप्लेन करो. हु हैज डन इट, गलत वो बाद में देखेंगे. समझ में क्या आया है और क्या किया है वो बता दो मैम प्लीज. जिसने कर लिया एक बार, किसी को भी, दोनों सेक्शन में से किसी को भी आप माइक के पास भेज दीजिए. आई वुड लाइक टू नो कि किया क्या है इन्होंने. आ जाओ जी, आ जाओ, कोई फटाफट से अपने आप ही आ जाओ. मैम को कहने की जरूरत नहीं है. Is it so difficult? No one has done it. क्या दिया? बिल्कुल सिंपल सी चीज दे रखी है. एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिसफियर है. दे आर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक सिलेंडर लेना है. फिर सिलेंडर के बाद हमें एक कोन लेना है और कोन के बाद हमें एक हेमिसफियर लेना है. ठीक है जी. अब मुझे क्या दे रखा है, इन तीनों के बेस रेडियस सेम है और उनकी हाइट भी सेम है. तो इफ आई टेक द रेडियस एज आर, यहां भी आर रेडियस, यहां भी आर रेडियस और यहां भी आर रेडियस, कैन यू सी एनीथिंग अबाउट द हाइट. What will be the height of this hemisphere? R. ये भी R ही है हमारा. ये हम क्वेश्चन में, आपके पास एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है जहां आपने ये चीज यूज की है, जहां पे आपको कंबाइंड हाइट भी होती थी. इसके ऊपर कोन या सिलेंडर कुछ रख दो तो इस पार्ट की आप हाइट निकालते थे. तो हाइट किसकी इक्वल? R के इक्वल. सो वट शुड बी द हाइट ऑफ दिस कोन?
हाँ जी, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे रखी है, सिलेंडर कोन एंड हेवी स्फीयर आर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट। सो अगर कोन के हेमिस्फीयर की हाइट आर आ रही है तो कोन की हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चों? आर ही होनी चाहिए। और सिलेंडर की हाइट भी कितनी होनी चाहिए? तो पहले तो यहां तक बताओ क्या बात है जो समझ नहीं आ रही थी। इज इट ओके टिल दिस पॉइंट? अब हमें क्या पूछा गया, देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर। निकालो तीनों की वॉल्यूम, फटाफट से कैलकुलेट करो। बताओ जी सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? अगर रेडियस आर है, हाइट आर है, तो वॉल्यूम कितनी हो गई? पाई आर क्यूब। वॉल्यूम होती है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, एच ऑल्सो आर, सो पाई आर क्यूब। अब कोन की बात करते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर इज अगेन आर हियर। सो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई? 1/3 क्यूब। व्हाट अबाउट दी वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर? 2/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे क्या कहा गया? मुझे बोला गया कि बताओ कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। बताना जरा, क्या मैं अगर ये दो को ऐड करूं वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज 1/3 पाई आर क्यूब, दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब। इफ आई ऐड द टू, 1/3 प्लस 2/3 कंप्लीट हो जाता है, तो पाई आर क्यूब बन गया। अगर ये दोनों की वॉल्यूम्स को ऐड कर दें, दैट इज 1/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, सो विल दिस बिकम 3/3 पाई आर क्यूब, विच कैन बी रिटन एज पाई आर क्यूब, विच इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यस इसका मतलब ए जो टू आपका स्टेटमेंट वन है वो कैसा हो गया है? ट्रू। स्टेटमेंट वन जो हो गया है वो मेरा ट्रू हो गया है। अब मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट टू पे जाना है। इफ अ सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फीयर आर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, देन देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 3:1:2। अब आपको क्या कहा गया, अब इन तीनों वॉल्यूम्स की रेशियो बतानी है। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए आई नीड टू फाइंड द रेशियो, मीन्स पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब एंड 2/3 पाई आर क्यूब। हियर इट हैज टू बी रेशियो। बताना जरा ये रेशियो कैसे निकालोगे? इज इट 3:1:2? ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, 1:1/3:2:2/3। 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट, सो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3:1:2। तो क्या स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया? अब सोच के बताना, क्या पहले पार्ट को सेकंड पार्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्यों नहीं? अगर रेशियो 3:1:2 है तो यहीं से क्या समझ नहीं आएगा कि ये 2x + x 3x हो जाएगा? कांट आई एक्सप्लेन? वॉल्यूम्स ही आप यहां पर देख रहे थे, हमें कहा गया इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करूं तो इसका वॉल्यूम मिलना चाहिए। यहां पे हम वॉल्यूम्स की ही रेशियो बना रहे हैं, जब इन दो को ऐड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। यस सो व्हाट माय आंसर शुड बी? ए। इस केस में मेरा आंसर होना चाहिए, क्या ये बात समझ में आई बच्चों? पहले ये बताओ मुझे, अब मतलब वी नीड टू लाइक अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें दिक्कत आ क्या रही थी। ऑनेस्टली जिसको बात क्या समझ नहीं आई थी मुझे पहले ये बता दो कि क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज थी जो आपको समझ नहीं आ रही थी जिसकी वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। शाबाश, जल्दी से बच्चों, अगर ऐसे ही बैठे रहोगे और वही डाउट्स रखोगे माइंड में तो फिर व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग द क्लास? अपने हाँ बोलिए जी बोलिए, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या बात थी जो समझ नहीं आ रही थी? इसमें और रेशो नहीं निकल रही थी। रेशियो नहीं निकल रही थी।
रेशो में क्या प्रॉब्लम? अगर 3 नंबर दिए हैं, रेशो निकालना है, इसका मतलब जस्ट आपको कंपैरिजन करना है 3 चीजों का. सो तीनों के वॉल्यूम्स हमने लिखे और उसमें से क्या कुछ कैंसिल आउट हुआ उसके अकॉर्डिंगली हमने निकाल दिया. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि ये हाइट आर होगी, ये सबको समझ में आ गया था. चलिए फिर अगले पे चलिए, और अब इतनी देर मत लगाना, जल्दी से करना, और जो पॉइंट क्लियर नहीं है पूछ लेना, रादर देन वी लाइक वेस्ट द टाइम. You just ask. First assertion reason का answer A बन रहा है. Second, जल्दी से read करो और अगर समझ में आ ही गया है तो जल्दी से कर दो, और अगर नहीं आ रहा है तो पूछो. शाबाश शाबाश, जल्दी से. कॉनिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 5 एंड हाइट 25 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर. ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर, इट इज फुल ऑफ वाटर. अब इसका पानी मैं इसमें ट्रांसफर कर रही हूं और मुझे बताना है इफ द होल वाटर इज एम्प्टीड इनटू सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर. इसका रेडियस जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दिया है. अब मुझे बताना है कि जब ये पानी इसमें डाला गया तो इसमें पानी की हाइट 2 सेंटीमीटर रेज होगी या नहीं होगी. शाबाश, जल्दी से फटाफट. No talking. Tenth B, Isha. Where is Isha? Tenth B. हाँ जी बच्चे, बताओ मुझे क्या करोगे, क्या समझ में आ रहा है, फटाफट माइक के पास आ जाओ, और क्या समझ में आया, कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को ये बताओ. क्वेश्चन, रेडियस इज एंड हाइट इज गिवन टू अस ऑन and the internal radius of the cylinder is also given. डाटा तो मैंने सारा यहाँ पे आपका बता दिया, जो जो दिया है. करना क्या है अब ये बताओ, इसमें जो पानी है वो कितना है, ये निकालने के लिए क्या निकालूं, इसका वॉल्यूम निकालूं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूं, क्या निकालूं? वॉल्यूम. वॉल्यूम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन? 1/3 pi r square h. अब ये जो पानी है वो मैंने इसमें ट्रांसफर किया, मतलब जितना वॉल्यूम यहाँ से आया वही वॉल्यूम इसमें जाना चाहिए. yes. तो अब इसके इस वॉल्यूम को इसकी किस चीज से कंपेयर करना पड़ेगा मुझे? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई. अब मैं कैपिटल आर ले लेती हूँ क्योंकि इसका आर अगर स्मॉल लिया तो इसका कैपिटल, इसका ये तो ये. अब आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है और इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या चीज आपको निकालनी है? बच्चे डू आई हैव दिस स्मॉल आर? कितना है स्मॉल आर? पाई. एंड व्हाट इज स्मॉल एच? 25. व्हाट इज कैपिटल आर? 10. Capital H I need to calculate. If that comes out to be 2 centimeters, statement 1 true हो जाएगा, otherwise false हो जाएगा. Isha, have you understood? Yes. चलो जाओ फटाफट सीट पे और निकाल के देखो जरा क्या कैपिटल एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ रही है. फटाफट करो सारे और बताओ क्या कैपिटल एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ रही है कि नहीं आ रही है.
ये पाई और पाई तो पहले ही कैंसिल आउट कर दो. वन अपॉन थ्री, फाइव इंटू फाइव इंटू एच है 25, आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर आपका है 10 × 10 इंटू कैपिटल एच. क्या ये दोनों, अगर मैं यहाँ एच को दो डाल दूं तो क्या ये दोनों सी चीजें बराबर हो जाएंगी कि नहीं होंगी? सी यहां पर मेरे पास कैपिटल एच की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर आनी चाहिए. अगर मैं यहां कैपिटल एच को दो डाल दूं तो क्या मेरा आंसर निकलेगा? मैं कुछ बहुत बड़ी चीज पूछ रही हूं बच्चों. इफ आई टेक एच हेयर एज टू, व्हाट दिस साइड इज गोइंग टू बिकम 200? इज इट? क्या यहां पर आपको 200 मिलेगा? देखने से ही पता चल रहा है नीचे 3 है, ऊपर 5, 5, 25 पड़ा है, तो पूरा पूरा कैंसिल आउट तो हो ही नहीं सकता. सो क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू होगी या फॉल्स होगी? इतना सोचने क्या लग जाते हो बच्चों? तो स्टेटमेंट 1 हो गई मेरी फॉल्स. अब जरा स्टेटमेंट 2 बता दो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है और वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच होती है. सो स्टेटमेंट 2 मेरी ट्रू है, 1 फॉल्स है. सो आंसर क्या बनेगा? डी इज द आंसर. तो मुझे एक बात बताओ, इतना सोचने क्या लग जाते हो? कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलते नहीं हो, या निकल नहीं रहा है? अब तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है. वर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट? अच्छा, सॉल्व नहीं कर पा रहे थे. क्या वजह थी, क्या चीज ऐसी है इसमें जो समझ नहीं आ रही थी? नहीं बच्चों, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम है कहाँ, तभी तो सॉल्व होगी जब प्रॉब्लम पता चलेगी. कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा कि क्या बात है जो समझ नहीं आ रही थी, क्यों क्वेश्चन नहीं हो रहा था? क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो पानी है अगर वो बताना है कितना है तो मुझे वॉल्यूम लेनी है? ये बात नहीं समझ में आई, या ये बात समझ नहीं आई कि यही पानी जब मैंने इसमें ट्रांसफर किया तो वही वॉल्यूम इधर जा रही है, तो इसकी वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन होना था? क्या पॉइंट है जो समझ नहीं आया? बच्चों बता दो, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे भी पता चले कहां पे अटक रहे हो. अच्छा, तो मतलब ये नहीं समझ में आया कि ये 2 सेंटीमीटर. देखो बच्चों, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जब आप यहाँ से पानी इसमें डाल रहे हो तो ये पूरा फिल हो, ऐसा तो जरूरी है ही नहीं. वो तब होता जो यहाँ से वॉल्यूम आई वो इसी में चली जाए. अब एक बात बता दो मुझे, चलो यहाँ तो चलो अभी हमें क्या करना था, जो पानी यहाँ ट्रांसफर हुआ वो इसको कितनी हाइट तक फिल कर पा रहा है, ये चीज मुझे बतानी थी. तो जो यहाँ पे पानी पड़ा है दैट इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. जो यहाँ से उठ के पानी आया वो मेरे सिलेंडर में गया, वो इसको कितना इसका लेवल अप कर पाया, दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू नो. चलो जी अगला करो, अब अगले में देखते हैं क्या करो. If volumes of two spheres are in the ratio 125 is to 64, then their surface areas are in the ratio 25 is to 16. हाँ जी, अब मेरे को 10th A में से अर्जुन, 10th A अर्जुन, कम नियर द माइक, फटाफट जल्दी से. एबसेंट है, ओके. रितिका, 10th ए रितिका, आ जा बेटा फटाफट माइक के पास आओ और मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, मुझे स्टेप्स बताओ. मुझे दे रखी है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 125 is to 64. कैसे प्रोसेस करूं मैं इस इंफॉर्मेशन को, इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लेकर के आऊं? चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए.
बिल्कुल ठीक है जी। एक का रेडियस अगर मैं आर वन ले लू तो ये वॉल्यूम हो गई, और रेशो दे रखी है तो दूसरे का हो गया 4/3 πr³। ये कितना दिया हुआ मेरे को बेटा, 125/64। अब क्या करूं मैं यहां से, क्या कर सकती हूं मैं यहां से, यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ कुछ समझ में आ रही है बात। अब मेरे पास आ गया r³ / r² = 125/64। चलिए आप बैठिए अपनी सीट पे। हाँ जी, दूसरे सेक्शन से मानव। यस हाँ बेटा, आ जाओ जरा माइक के पास आओ मानव। हाँ जी मानव कम नियतमा एक। हाँ बेटा आगे बताओ, अब मैं यहाँ से क्या ड्रॉ कर सकती हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल सकती है। हम आर की वैल्यू निकाल। हाँ हाँ बोलो कैसे निकाल। 5/4 परफेक्ट। r1/r² इसको मैं r1/r² कर दूं तो 125 किसका क्यूब होता है बच्चों, 5 और 64 4 क्यूब। आपको मालूम है कि अगर मेरे पास पावर सेम है और ये बराबर आ रहा तो बेसिस भी सेम होंगे, तो यहां से मेरे पास r1/r² 5/4 आ गया है। चलिए बैठिए जी, r1/r² 5/4 आ गया है मेरे पास। नाउ हिमांशु 10th A, फटाफट आते जाओ, जिसका मैं नाम ले रही हूँ जल्दी से फटाफट माइक के पास आ जाओ बेटा। अब आगे क्या करूं, अगली इंफॉर्मेशन है मेरे पास, सरफेस एरिया 25:16 की रेशो में है ये मुझे बताना है। अब सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4π r1² and 4π r² मेरे से पूछा गया क्या ये 25/16 है। yes. बिल्कुल है, ये 4π कट गया, मुझे यहाँ क्या आंसर चाहिए, r1/r² का स्क्वायर। r1/r² मैं निकाल चुकी हूँ 5/4, इसका स्क्वायर करूं तो आंसर बन गया 25/16। सो ये करेक्ट हो गया मेरे पास। yes. चलिए जी, तो स्टेटमेंट 1 हो गई है मेरे पास करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। चलिए जी, अब हम आ रहे हैं स्टेटमेंट 2 पर, जो कि मोहित 10th ए से मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करना है मुझे यहाँ पर। We have given the volumes of two sphere V1 and V2. Okay, तो S1 को मैं क्या ले लूं बेटा, 4π r1² ले लूं। S2 को r2 square. What should I take v1 as? Volume. हाँ जी बोलिए। Volume of sphere. क्या होती है volume of sphere? 4/3 πr. 4/3 πr³ and v2 as 4/3 πr²। अब मुझे कहा गया है s1/s2, मतलब इन दो को अगर मैं डिवाइड करूं तो बताओ जी क्या मिल रहा है मुझे, s1/s2 r1 square upon r2 square। चलिए जी बैठिए सीट पे, जाइए आप। 10th B, रमनप्रीत सिद्धू आ जाओ बेटा फटाफट। v1/v2 बताओ जी, v1/v2 करेंगे तो क्या आएगा, 4r³ r1³ and r2³ r³ upon r2³। अब मुझे क्या कहा गया, मुझे कहा गया बताओ s1/s2 is v1/v2³ 2/3। अब क्या करूं मुझे बताना है क्या ये ट्रू है या नहीं, s1/s2 is v1/v2³
टू बाय थ्री. बताओ बच्चे क्या करना पड़ेगा. एस वन बाय एस टू मैंने निकाल दिया है, वी वन बाय वी टू भी मैंने निकाल लिया है, अब मुझे ये चीज प्रूफ करनी है. कैन आई डू इट? यस. बताओ क्या करना है मुझे. एस वन और एस टू की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, क्या आ जाएगा? आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर, और वी वन बाई वी टू करूं तो आर वन क्यूब अपॉन आर टू क्यूब की पावर टू बाय थ्री. चलिए जी, अब मेरे को बताना है यतिन ने, टेंथ ए यतिन. हाँ बच्चे, मैं ये अब इसको कैसे फर्दर कैलकुलेशन करके बताऊं कि ये बराबर है. हाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ? बेटा वैल्यू तो पुट कर दी, लेकिन अभी तो कुछ मुझे एक जैसा सा दिख रहा नहीं है. मैंने S1 by S2 की वैल्यू भी डाल दी, मैंने V1 by V2 की जो वैल्यू निकाली थी वो भी डाल दी. अब ये बराबर है या नहीं, इसके लिए कुछ तो आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. वो क्या करूं? इधर उधर से सुनो मत, जो आपका दिमाग कहता है सिर्फ वही देखो. ठीक है, लिसन टू व्हाट योर ब्रेन सेज टू यू, नॉट व्हाट अदर्स आर सेइंग टू यू. वो गलत भी हो सकते हैं ना, है ना? हाँ बताओ बेटा क्या करूं, क्या चीज को अमन निकालूं, बताओ. Anyone who can tell me what should I do now? ये true है, ये बात मैं बता देती हूँ, पर मुझे calculation बतानी है आप लोगों ने कि मैं further इसको calculate करूँ कैसे. This is something I want to know. Anyone? R1 upon R2 का whole square हो जाएगा और R1 upon R2 का whole cube हो जाएगा. देखो यहाँ से ध्यान से देख लेना, exponent का खेल है सारा. Exponent आप 7th, 8th दोनों classes में पढ़ के आए हो, इसीलिए आए गए थे क्योंकि यहाँ पे यूज होने. चल बच्चे आप बैठो अपनी सीट पे. यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड. कैन आई राइट इट एज आर वन अपॉन आर टू का क्यूब? अभी अंदर अंदर वाली चीज को कैसे ऐसे लिख दूं, और पूरे की पावर टू बाय थ्री ऐसे भी लिख सकती हूँ. अब ये दोनों पावर्स आपस में, इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा. Yes. तो आ जाएगा R1 by R2 whole square and this can also be written as R1 by R2 whole square. Yes. So this is how we are supposed to deal with exponents. और बहुत बार हमें ये चीज यूज करनी पड़ती है. समझ में आया? जिसको अभी भी समझ में नहीं आया प्लीज आस्क. Anybody who is not able to understand, please ask. So, ये मेरे पास S1 by S2 आ रहा था, R1 square upon R2 square. जब मैंने V1 by V2 की power 2 by 3 करी और simplify किया, तो वो भी मेरे पास क्या आ रहा है? R1 square upon R2 square. इसका मतलब मेरी statement true क्या हो गई है? True? आंसर क्या होगा, ए या बी? देखो ये ए और बी में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, ये बड़ा एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट्स होती हैं. मैं ये कह भी सकती हूँ कोई इस चीज को यूज करके मैं पहले पार्ट को सॉल्व करूं, या मैं उसके बिना भी सॉल्व कर सकती हूँ. लेकिन जब भी ऐसा हो कि उसको यूज करके सॉल्व हो सकता है, तो मेरा आंसर हमेशा क्या बनेगा? ए. स्टेटमेंट वन हमने देखी थी, क्या थी? ट्रू थी स्टेटमेंट वन. स्टेटमेंट टू भी हमारे पास क्या है? ट्रू है. और वही हमने रेशोज लेकर के काम किया, वहां न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई थी, तो आपके लिए आसान हो गया था कैलकुलेट करना. 125 बाय 64 था, तो क्यूब आपको आसानी से समझ में आ गया कैसे करना है. जब यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स, कुछ वेरिएबल्स आ गए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो बस. बाकी काम तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पर भी. अब बताओ मुझे समझ में आया सबको? चलो फिर फर्स्ट एमसीक्यू देखो, कितना टाइम हमने लगा दिया, 20 मिनट के क्वेश्चन थे और घंटा हो गया हमें. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही. आपके पास एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसमें डाउट भी रहता है. जरा फटाफट फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ लो, बाकी तो हम आप खुद से भी ट्राई कर पाओगे. फर्स्ट वाला जल्दी से पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है इसमें से आपको. Thank you.
आंसर्स मिल कॉल. Water flows at the rate of 10 meter per minute from a cylindrical pipe which is 5 millimeter in diameter. मेरे पास इसको हम थोड़ा डिस्कस ही कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है. ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें से पानी आ रहा है और किस में जा रहा है, एक कोनिकल वेसल में पानी जा रहा है. सिनेरियो समझ में आ गया क्या हो रहा है? सिलेंड्रिकल पाइप में से पानी आया और कोनिकल वेसल में चले गया. अब इसमें जो पानी का फ्लो है दैट इज 10 मीटर पर मिनट. पहले इस बात का मतलब ही बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय 10 मीटर पर मिनट? एक मिनट में कितना पानी? अब एक बात बताओ, पानी को क्या मैं मीटर में मेजर कर सकती हूँ? पानी की तो वॉल्यूम मेजर करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है. अब यहां पर इसको 10 मीटर पर मिनट को मैं क्या मान के चलूंगी? मैं मानूंगी कि ये जो मेरी पाइप है, मैं सपोज कर लेती हूँ इसकी लेंथ 10 मीटर है. आई सपोज द लेंथ ऑफ दिस पाइप इज 10 मीटर और इस 10 मीटर की पाइप में से जितना पानी एक मिनट में फ्लो करेगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉटर अकॉर्डिंग टू दिस स्पीड. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अब इसका रेडियस दे रखा है मुझे 5 mm. डायमीटर है ये, ठीक है जी, डायमीटर है तो हम इसको 5/2 कर देते हैं, दैट बिकम्स द रेडियस. और ये किस में जा रहा है? कोनिकल वेसल में, हुज डायमीटर एट द बेस इज 40, मतलब कि रेडियस हो गया 20 एंड डेप्थ हो गई 24. अब मैंने बताना है कि इसमें से जो पानी आके इसमें जा रहा है वो कितनी देर में इसको फिल कर देगा. क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है. अब सबसे पहले यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, एक यूनिट मीटर में, एक मिलीमीटर में, एक सेंटीमीटर में, सब कुछ घालामाला कर रखा है. तो पहले हमें, जब भी आप मेंसुरेशन एरिया पेरीमीटर के क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले सिमेट्री बिठाओगे अपने यूनिट्स में. हम एक बीच वाला यूनिट सेंटीमीटर में चले जाते हैं, ठीक है जी. 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? 100 से कितने सेंटीमीटर? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, 10 से डिवाइड कितने सेंटीमीटर. अब मेरे सारे के सारे यूनिट हो गए हैं यूनिफॉर्म. अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं पूछ रही हूं वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोइंग फ्रॉम 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप इन 1 मिनट. बताओ जी क्या होगी? मुझे दे रखा था 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें से पानी निकल रहा है, मतलब अगर मैं लेंथ को 10 मीटर रिज्यूम कर लूं तो इसके अंदर जितना पानी पड़ा है वो सारा का सारा एक मिनट में इसमें ट्रांसफर हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आती है? Yes. So, मुझे यहाँ पे क्या लेना है? मुझे सिंपल इस सिलेंडर की वॉल्यूम लेनी है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. अब जरा सोच समझ के मुझे बताना, आर कितना है इसमें? 5/20 सेंटीमीटर. एंड वॉट इज एच? 1000. यही. अब मेरी पाइप ऐसे ना हो करके, मेरा सिलेंडर ऐसे ना हो करके ऐसे हो गया है, तो जो ये हाइट है वो अब ये लेंथ हो गई. Yes. इसका मतलब ये एच कितना आ गया मेरा? 1000 सेंटीमीटर. ये इतना वॉल्यूम कितनी देर में आ रहा है? 1 मिनट में. पहले यहां तक बताओ, बात समझ में आई है? Yes. Anyone who is not able to understand, मुझे पता है अभी भी confusions होंगी, लेकिन पूछ नहीं रहे हो.
मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 10 मीटर पर मिनट का मतलब मैं ये एज्यूम करके चलूं कि अगर मेरे पास एक 10 मीटर लंबी पाइप हो जिसका रेडियस 5/20 सेंटीमीटर है, उसमें जितना पानी पड़ा है वो एक मिनट में यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी देर में फिल होगा, मैं मान लू टी मिनट्स में फिल हो रहा है, वही निकालना मुझे कितने मिनट में फिल होगा। तो मैं मान लेती हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम पाइप इन टी मिनट्स कितनी हो जाएगी भला, पाई आर स्क्वायर एच इंटू टी, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से जो पानी आ रहा है उसने इसको कंप्लीटली फिल करना है, तो अब इस वॉल्यूम को किसकी वॉल्यूम से कंपेयर करूं बच्चों? किसकी वॉल्यूम से? सिलेंड्रिकल पाइप से। ये जो हमने निकाला ये कहां से आ रहा था, पाइप में से आ रहा था कि कौन में से आ रहा था? पाइप की वॉल्यूम तो मैंने यहां कंसिडर कर ली कि अगर 10 मीटर लेंथ है उसमें जितना पानी पड़ा है वो एक मिनट में इसमें चले जाएगा। अब टी मिनट में इसमें से इतना पानी इसमें जा रहा है, अब फिल किसको करना है मैंने इस पानी से? कौन? तो इस वॉल्यूम को सिलेंडर की वॉल्यूम से कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन की वॉल्यूम से कंपेयर करना पड़ेगा? पानी किसमें जा रहा है? तो ये पानी यहां से निकला इसमें जा रहा है, इसमें से जितनी वॉल्यूम आई वो इसके वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए। और कौन के वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 आर स्क्वायर एच। यहां से आपके पास ये टी निकल आएगा, यही एक अननोन बच गया, बाकी तो सब कुछ नोन है अब मेरे पास, ठीक है जी। सो टी आ जाएगा, तो उतने मिनट में मेरा जो कोन है वो इस पाइप से फिल हो जाएगा। अब क्या पॉइंट किसको समझ में नहीं आया है कृपा करके बोल दो फटाफट से। द पॉइंट विच इज नॉट क्लियर टू एनी वन ऑफ यू प्लीज। अभी भी नहीं समझ में आया होगा कईयों को, मैं जानती हूं, बोलेंगे नहीं, आई डोंट नो व्हाई। चलो एक दो मिनट सिर्फ लगा रहे हैं, आपके एक टाइम हो रहा है क्लास का। मोहित टेंथ है, मोहित वेयर इज मोहित? हाँ बच्चे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो मैंने क्या बताया इसमें, और पहले पूछ लो अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर है तो पहले पूछ लो, और समझ में आ गया तो बताओ कि क्या कहा मैंने। पक्का समझ में आ गया सारा कुछ? चलो फिर एक्सप्लेन करो बेटा। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप था जिसमें से 10 मीटर पर मिनट वाटर फ्लो करता था, तो हमने वो मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर दिया, फिर डायमीटर को रेडियस में, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन रख के उसका वैल्यू पुट कर दी। बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जब ये रेट जो दिया रहता है ये तुम सिर्फ ये अज्यूम करके चलोगे कि मेरे सिलेंडर की लेंथ इतनी, उसमें जितना पानी पड़ा है वो एक मिनट में बाहर आ जाएगा, ये सिर्फ पॉइंट है इसके अंदर। चलिए गुड, गो टू योर सीट, इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं एमसीक्यूज के आंसर्स आपको बता रही हूँ, आंसर्स ये देख लेना, नहीं सॉल्व होंगे तो मुझसे अगली बार पूछने हैं आपने, ठीक है ना। इट्स योर ड्यूटी टू आस्क इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है बी, फर्स्ट एमसीक्यू बी आंसर है, सेकंड का आंसर ए है, थर्ड का डी है, फोर्थ का सी है और फिफ्थ का बी है। एंड मेक श्योर कि आप ये ट्राई करें, और जो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करें। ओके जी, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर द क्लास, ओके। Thank you, man. Okay.